Hey, what is up guys? Welcome back to my channel. मैं हूँ गेमर गैस संदीप और आज हम लोग शेयर ऑफ द टूम रेडर फिर से खेलने वाले हैं. तो गाइज लास्ट वीडियो में एक फायर टेम्पल बोल के एक पजल था, एक टेम्पल था, उसके अंदर बहुत सारे पजल्स थे तो वो कंप्लीट किया था. और आज इसके आगे फायर टेम्पल से निकलने के बाद एक दूसरा सेक्शन था जहाँ पर एक बड़ा सा पजल था और ये एनवायरमेंटल पजल जैसा होने जा रहा है. बहुत बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग जंपिंग वगैरह है. तो गाइज इसको चेकआउट करते हैं, देखेंगे किस तरह का गेम प्ले होगा. और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो. वीडियो पसंद आया वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में. और मैं रोज़ गेम प्ले वीडियोज़ लाता हूँ हिंदी कॉमेंट्री के साथ. तो बस इसके साथ स्टार्ट करते हैं गाइज, लेट्स डू दिस. ओके गाइज, तो यहाँ पर यहाँ तक हुआ था और ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर जाना है और यहाँ से दूसरे साइड में मतलब कोई एग्जिट है वहाँ से निकलना पड़ेगा और उसके बाद हिडन सिटी का कोई एंट्री पॉइंट आने वाला है जहाँ से हिडन सिटी तक पहुँच सकते हैं हम लोग. तो कंटिन्यू करते हैं गाइस, यहाँ से एक बड़ा ओके यहाँ पर क्लाइम करना है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है देखकर, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलेगा कितना डिफ़िकल्ट है. इसको क्या हुआ? ऑल राइट, ठीक है, सही जा रहे हैं. ओके गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही इट्स रियली ब्यूटीफुल एक्चुअली. ओके गाइस, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी एंटर करने वाले हैं इसके अंदर, मतलब जाने वाले हैं. ओके गाइस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं. तो एग्जैक्टली कहाँ से निकलना है आई डोंट नो येट. एक्चुअली उस साइड से निकलना है लेकिन इससे पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा. यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. ऑलराइट गाइस, मूव करते हैं अभी. ओह यहाँ पर क्लाइम कर सकते हैं. ओ यस, आई ऑलमोस्ट मिस्ड इट. ओके यहाँ पर उतरना पड़ेगा. चलो उतर गए. ओके यहाँ से जाने का रास्ता है गाइज, यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है वॉक करने के लिए. ओके तो ये एक मशीनरी टाइप का कुछ चीज़ है जो बिल्कुल चलेगी. तो उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो. कुछ आई थिंक ये रोटेट होने वाला है, ऐसा ही कुछ है क्योंकि ऊपर कुछ चीज़ें रोटेट हो रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो रोटेट हो रहे हैं और आई थिंक और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोटेट होने वाले हैं, देखते हैं. और गाइस, तो पहले नीचे जाना पड़ेगा उसके बाद ऊपर जाएंगे. सो फर्स्ट वी नीड टू गो डाउन. ओके चलो रास्ता तो मिल गया कम से कम. ओके गाइस, यहां तक तो आ गए. ऑलराइट, यहां पर कुछ है जो मुझे करना है, मैं श्योर नहीं हूं एग्जैक्टली क्या है. ओह आई थिंक मैं सही जा रहा हूं अभी. ओके हो सकता है मैं सही जा रहा हूँ, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट देखते हैं. ओके यहाँ पर रैपल करना है. एक्चुअली थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा वरना रैपलिंग होगा नहीं ठीक से. आई थिंक ये सही रहेगा. ओके गाइस, तो यहाँ से जंप लगाना पड़ेगा. ऑलराइट, तो एक्स यूज करके यहाँ पर लटकना है. सही टाइम पे एक्स निकाल लिया था. ओके गाइस, देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ तो है जो करना है. ओ आई थिंक इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. सामने आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एरो यूज कर सकता हूँ.
ऑल राइट, तो आई थिंक जो मशीनरी है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर कुछ मास्ट्स हैं जो ओपन हो चुके हैं विंग्स की तरह. ओके गाइस, तो अभी ऊपर जाना है. ऑल राइट, आई थिंक आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट. ऑल राइट, यहाँ पर बहुत ही संभाल कर जाना है, मतलब सीरियसली. ओ क्रैप, यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता मैं. ओके ओके, हो गया हो गया, कोई बात नहीं. और ये भी घूम रहा है भाई. नहीं, यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं कर सकते, इसको वर्टिकल होना पड़ेगा. चलो ये तो हो गया कम से कम. ऑल राइट गाइस, यहाँ तक ठीक है. आई थिंक सही जा रहा हूँ मैं. अभी भी श्योर नहीं हूँ जो पाथ मैं फॉलो करके जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है. ऑल राइट गाइस, मुझे ऊपर जाना है एक्चुअली. ओके, ऊपर जाने से पहले मुझे यहाँ से जाना है. ओके गाइस, बहुत ही संभल कर जाना है, ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मूव कर रहे हैं. ओह क्रैप, तो गाइस टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, पहुंच गया गाइस, नो प्रॉब्लम. तो मुझे ये जो मास्ट है जो घूम रहा है यहाँ पर, इसके साथ इसको कनेक्ट करना है, तो वही करने जा रहा हूँ मैं. ओके, आई थिंक सही कर रहा हूँ मैं. Oh, we did it. All right, guys. तो मुझे एक अभी रास्ता मिल गया. यहाँ पर एक रोप है, तो पहले मैं इसको पास लाता हूँ. ओके, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ. और अभी जाके ये जो दरवाज़ा है ये खुला रहेगा, और फिर इसके साथ हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर सकते हैं. और आई थिंक बाकी जो जो है सब चल रहे हैं यहाँ. ये पूरा स्ट्रक्चर काम करने लगा है अभी. ओह शिट, यहाँ पर एक ओ क्रैप क्रैप क्रैप, दूसरा दरवाजा है गाइस. ओके, थोड़ा सा हेल्थ कम हुआ था मेरा यहाँ पर, बट आई थिंक आई एम सेफ. ऑलराइट, चढ़ जाते हैं और यहाँ पर फिर से एक्स यूज करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो अभी सही जा रहे हैं हम लोग लगता है. थोड़ा सा पंगा हो गया था एक जगह पर, लेकिन वो जगह कंप्लीट कर लिया है. ओके, वी आर थ्रू गाइस. ओ, अभी गिरने वाला था मैं. ऑलराइट गाइस, यहाँ पर भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है.
हाँ ऊपर चढ़ चुके हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा लगता है। ओह आई थिंक सही जंप लगाया मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ से ग्रैपल करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। ऑल राइट एक बार इसको वर्टिकल होना पड़ेगा। ओ क्रैप 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 क्रैप, ये क्या हो रहा है भाई, टूट के गिर रहा है पूरा। ओ क्रैप गाइस, ये पूरा टूटने वाला लगता है। अरे 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 गिर ना जाऊं मैं। ओहो हो हो हो, चलेगा गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। तो ये ईगल ट्रायल था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बोलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे सैलवेज बहुत है। ओ यहाँ पर भी कुछ है, इससे फायर एरोज बना सकते हैं। तो बेसिकली अंदर जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पर, ओ यहाँ पर एक म्यूरल है, सॉरी म्यूरल नहीं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। ओके गाइस थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ओह मशरूम, और यहाँ पर अंडर वाटर स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा क्लाइंबिंग करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये जगह थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं गाइस, लेट्स क्लाइंब। ओह यहाँ से क्लाइंब करना है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, रास्ता मिल गया। एंड वी आ गए फाइनली। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है लगता है, या वी आर सेफ फॉर नाउ। ऑलराइट ये थोड़ा टनल जैसा लग रहा है, आर्टिफिशियल हो सकता है, मैन मेड टनल्स हो सकते हैं। ओ ये ओपन जगह है फिर से, मुझे लगा था क्लोज्ड जगह होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओ क्रैप जोना, द व्यू अप हियर इज अमेजिंग, अमेजिंग व्यू है गाइस, रियली ब्यूटीफुल। और आई थिंक हिडन सिटी का ये एंट्रेंस है या ऐसा ही कुछ है। और जोना किसी कैवर्न के अंदर जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। तो बेसिकली जोना और लारा अलग हो गए थे दोनों, तो यहाँ पर कुछ था ले लेते हैं। और राइट आगे बढ़ने का टाइम है। और यहाँ पर क्या है, फेदर्स, फेदर्स किस काम आते हैं भाई। और राइट थ्रो ए ग्रैपल एक्स विथ ई वाइल जंपिंग टू स्विंग अक्रॉस गैप्स। ऑलराइट गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, एक ही ट्राई में हो गया। तो ये काफी डेंजरस था, लेकिन अभी देखते हैं, फिर से वही करना है। लेट्स डू दिस अगेन। ओ क्रैप क्रैप, ऑल राइट ऑल राइट गाइस, किसी भी तरह पहुंच गए। मुझे लगा था कि मैं गिरने वाला हूं, लेकिन एनीवेज तो बेसिकली पानी के अंदर जाना है फिर से, और ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल।
ओके एक्चुअली मुझे पानी के अंदर नहीं जाना है, ऊपर ही रहना है। तो यहाँ पर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है गाइस, और सनलाइट आ रहा है बहुत ही खूबसूरती से। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सीन है ये। और ये जो सन के रेज आते हैं ना, मतलब जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के बीच बीच में से आते हैं, आई रियली लव इट। ऑल राइट ओके, ये थोड़ा स्पूकी होता जा रहा है, फिर भी देखते हैं, इंटरेस्टिंग हो भी सकता है। ओके गाइस, तो ये हिडन सिटी है और यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कुछ एनिमल्स घूम रहे हैं इधर उधर। ओके गाइस, ये थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये थोड़ा यहाँ पर क्या होगा आई हैव नो आइडिया। और बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं इधर जो मैंने पहले नहीं देखा है। ओके ये क्या है भाई, यहाँ पर कोई मैप, कुछ मैप जैसा लग रहा है, और किसी इंसान का साउंड आ रहा है। ओके इसको खींच के तोड़ते हैं। और अगर यहाँ पर सैलवेज है, ले लेना अच्छा रहेगा। तो बेसिकली मुझे इस तरफ जाना है और देखते हैं किसका, ओह शिट, किसका साउंड आ रहा है भाई। ओके गाइस, कोई है यहाँ पर, देखते हैं कौन है। ओ ये कौन है भाई, ये बच्चा जैसा लग रहा है। ओ ये इंग्लिश भी बोलता है, ये बच्चा है, लड़का है, लड़की है, लड़का ही है ऑब्वियसली। ओ यहाँ पर कोई और भी है। ओ क्रैप गाइस, लारा ने एरो मार दिया है। दो एरोस के बाद भी ये नहीं मरा, तीन एरोस लगे मारने के लिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, ये लोग कौन है, ये ट्राइब लग रहा है जो आदिवासी हैं विलेज के, आई थिंक ये इंडिजीनियस पीपल है इस एरिया के। ओके यहाँ पर कोई और भी है। क्रैप क्रैप क्रैप, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं भाई, इनकी पूरी मतलब पूरा ग्रुप है इनका। तो बेसिकली लारा को इसने बचाया अभी, इस आई मीन शी सेव्ड लारा राइट नाउ। ओ तो ये लोग भी बचने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों से जो ग्रीन कलर के कॉस्ट्यूम्स पहन के आ रहे थे, आए थे। ओके इसको लेके जा रहे हैं भाई, कैप्चर करके लेके जा रहे हैं या ऐसे ही लेके जा रहे हैं। ओ शेट, कपड़ा बांध दिया मुंह पर। और गाइस यहाँ पर बातचीत चल रहा है अभी। ओके सो दिस लिटिल गाय इज दिस वोमेन सन, इनका बेटा है ये। तो ये लोग क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पर। ओ तो लारा को एक्चुअली मैप मिला था, मैप ट्रेस ट्रैक करके ये और जोना पहुंच गए थे। अभी ये बात इनको पता नहीं है, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या, कैसे ये लोग आए हैं, मतलब लारा कैसे आई है यहाँ तक, हाउ डिड शी रीच हियर। हाँ ये लोग कौन थे ये पूछना जरूरी है। ट्रिनिटी, इनको भी पता होगा, नहीं इनको पता नहीं है। ओ मून गॉडेस, कोई ना कोई गॉड या गॉडेस रहता ही है इस तरह के स्टोरीज में। No, I just call it Trinity. The cult get to it first. They're too dangerous. ट्रिनिटी पहुंचने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले। What have they done to you? They killed my father. ओह यस,
show you something. All right, कुछ दिखाना चाहती है लारा. ओके आई थिंक ये फोटो, ये कोई फोटो रहेगा. दिस इज पाइटिटी. यू आर रेडी हियर. पाइटिटी द हिडन सिटी. तो यही है पाइटिटी द हिडन सिटी. दैट इज अ प्लेस ऑफ डेथ एंड सैक्रिफाइस. ओ वहां पर सैक्रिफाइस होता है. एंड यू थिंक योर आर्टिफैक्ट इज देयर. तो ये लोग अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं. लारा को नहीं जाना चाहिए, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं करते लोग, वापस नहीं आते तो क्यों जाना है. yes. लेकिन जाना पड़ेगा. शी इज द लीड कैरेक्टर ऑफ दिस गेम. ओ जोना को भी एक्चुअली पकड़ लिया इन लोगों ने. डू यू नो दिस मैन? ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. या शी इज फाइन. हु एल्स इज लुकिंग फॉर यू? देयर इज नो वन एल्स. I believe we're seeking the same thing. तो एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं दोनों ग्रुप, लारा और जोना. इधर और एबी हेल्प कर रही थी. या लेट्स नॉट फॉरगेट एबी बिकॉज शी इज हेल्पिंग अ लॉट. मैं एबी के बारे में भूल ही गया था. ओह शिट गाइस, तो ये हिडन सिटी है. तो बेसिकली यहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये सिटी एक्चुअली जो मेन सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे पूरा अलग है, डिसकनेक्टेड है बोल सकते हैं. कोई कनेक्शन ही नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ. और यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब टेम्पल्स, फोर्ट्स वगैरह. होली क्रैप. तो गाइस, मैं इस वीडियो को ये पे ख़त्म कर रहा हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था. आप लोग बताओ कैसा लगा. पसंद, आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करो चैनल को. मैं रोज़ गेम्स वीडियोस लाता हूँ. और साइड बाई साइड बैटलफील्ड 5 का भी वॉक थ्रू चालू है और मैं कुछ अलग वीडियोज़ भी लाता हूँ एवरी वंस इन अ वाइल. और बस मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा. नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्यूसडे को. तो बस ख़त्म कर रहा हूँ. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, गुड बाय.